आज हम लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इसका सम हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और नीचे एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारा इसका सम क्या होता है, अगर हम देखें इसका सम आता है हमारा n n प्लस वन टू एन प्लस वन, इसका हमारा सम क्या होगा, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू वन अपॉन एन क्यूब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका हमारा ये सम आ गया। अब देखिए यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी ऊपर जाएगा और नीचे, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो हम इसको लॉ हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेकिन इसमें हम अगर देखें तो ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन n की पावर n या फिर m ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर m कोई नंबर है, फाइनाइट नंबर, तो ये हमारा क्या होता है, ज़ीरो। तो ये इस रिजल्ट का भी इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर से अगर मैं n कॉमन लूँ और यहाँ से n कॉमन लूँ तो ये बाहर हमारा क्या हो जाएगा, n क्यूब वन प्लस वन बाई एन और ये टू प्लस वन बाई एन डिवाइडेड बाई सिक्स एन क्यूब, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे और ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ज़ीरो, ये कहाँ जाएगा, ज़ीरो। तो हमारा आंसर आ जाएगा टू बाई सिक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा वन बाई थ्री। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।